खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए सच दिखाते हैं। नमस्कार, मैं हूं जाहिद अली और आप देख रहे हैं सिमरत दर्पण न्यूज। आइए रुख करते हैं आज की खबरों की ओर। रायबरेली जनपद की नगर पालिका परिषद की बहुत बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है। एक तरफ जहां पूरा देश कोरोना संकट से जूझ रहा है, वहीं रायबरेली जनपद की नगर पालिका परिषद की बहुत बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि दीवानपुर के वार्ड नंबर 3 में सफाई व्यवस्था नहीं होने से लोग परेशान हैं। गंदगी का आलम यह है कि कई मोहल्ले तो आज भी गंदगी से जूझ रहे हैं। वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है जहां गंदगी से नाला बजबजाता हुआ भरा हुआ है। इसकी सफाई 6 महीने से नहीं की गई है, जहां इसकी शिकायत कई बार उच्च अधिकारियों से की गई, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं होती है। जहां एक तरफ कोरोना वायरस जैसी महामारी फैली हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ इस गंदगी को देखकर स्वाइन फ्लू जैसी बीमारी फैल सकती है और जहां इससे कई लोग प्रभावित भी हो सकते हैं। इसके अलावा तमाम तरह की बीमारियों की आशंका बनी हुई है। नगर पालिका की लचर कार्यशैली के चलते नगर वासियों में खासा रोष व्याप्त है। 6 माह बीत गए हैं, किसी भी अधिकारी ने इस ओर अभी तक ध्यान नहीं दिया है। नगर पालिका को चाहिए कि कोरोना संक्रमण को ध्यान रखते हुए दीवानपुर वार्ड से साफ सफाई कर गंदगी खत्म करे, जिससे कि वार्ड वासी स्वच्छ वातावरण में रह सके। अब देखना है कि रायबरेली जनपद के DM साहब इस पर क्या संज्ञान लेते हैं। सिमरा दर्पण न्यूज के लिए जाहिद अली की रिपोर्ट।